नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवलिंग बंदा ऑन यूट्यूब। मैं हूँ अभी फिलहाल कंबोडिया में को रोंग आइलैंड्स में, और मैं यहाँ पे पिछले 3 दिन से था। ये बेसिकली कंबोडिया का बाली माना जाता है, बहुत ही ऑसम डेस्टिनेशन है। 3 दिन यहाँ पे बहुत मजे के, आपको सारे वीडियोस देखना तो आई बटन दबा के आप देख सकते हो। फिलहाल तो मैं आज सुबह रे यहाँ से 11 बजे अपने हॉस्टल से चेकआउट करके उनकी फ्री बोट की सर्विस पकड़ के यहाँ पे फेरी बोट पे आ गया हूँ। अभी 11:30 बजे है और हमारी अगली बोट जो आने वाली है वो 1 बजे की है, तो यहाँ पे रुकने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। ऑलराइट, तो बोट एकदम ऑन टाइम आ गई है 1 बजे। अभी यहाँ से कुछ 25-30 मिनट की बोट राइड है शानकुल जाने के लिए। सो अभी बोट दिखा देता हूँ आपको और उस पर बोर्डिंग कर देते हैं जल्दी। आयुब भाई मिल गए इधर ही पोर्ट पे, उनकी बोट अलग थी तो हम लोग अभी इधर रुके हैं। तो हमारी जो बस है वो अभी लग्जरी वाली बस है, जो मिनी वैन रहती है वो एसी, तो हम लोग को बाहर पड़ रही थी $13 में, और अयुब ने इधर बात की तो हमें पड़ रही है अभी $12 की। इस फेरी टर्मिनल में जो चाइनीज लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बहुत ही जबरदस्त है। देखिए, मानना पड़ेगा भाई, चाइना वाले लोग ना सब जगह पे, ना जो जो जगह पे पैसे कम है वहाँ पे सारे जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, और फिर बाद में उनको डेट में डाल के बहुत सारी चीज़ें ऐड लेते हैं। शिनोकविल जो है यहाँ पे, ये पूरा जो सिटी है चाइनीज़ लोगों ने बेसिकली पूरा बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए हैं, पूरा गैम्बलिंग कैसिनोज बना दिया है बड़ा बड़ा, बहुत सारा चाइनीज़ पैसा है इधर। मतलब चाइना के जो लोग हैं जिनमें जिनको चाइना में पैसा नहीं रखना रहता ना, वो ज़्यादा करके एशिया में आजू बाजू की कंट्रियाँ हैं ना, इधर इन्वेस्ट करते और पैसा पार्क कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट ले ना पाए। तो आप शिनोकविल जाओगे, आप सीएम रेप जाओगे, कहाँ पे भी ना आपको बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को बनते हुए दिखाई देंगे हमेशा। और ये सारे के सारे लोग ना जो खरीदते हैं वो सारे चाइनीज हैं। इनफैक्ट लोकल लोग के पास इतना पैसा है ही नहीं कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बंगले, घर जो भी है खरीद पाए। सोचिए क्या हालत है यहाँ पे। फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है यहाँ पे। अभी इसमें देखते कितने लोग कैसे फिट होते हैं, सामान वामान कैसा भरने वाले ये लोग। भाई फुल ये जो बस है अलग ही जगह अटक गया है। ये तो मुंबई पुणे में जो जाते हैं ना शेयर टैक्सी वाला सीट हो गया, पूरा लोग भर भर के अंदर है, उधर है सामान देखे पूरा ऐसा इधर पाओ के पास। It's crazy now. Two hours in this van over here. Fully पहुंच जाएंगे। सौ किलोमीटर खत्म हो गया अभी, और हम लोग एक जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे रुकते हैं वैसे एक रेस्ट स्टॉप पे आके गाड़ी रुकी है अभी। इधर पूरा खाएंगे, खाने पीने नाश्ते का कुछ बंदोबस्त नहीं है इधर, तो जस्ट टॉयलेट ब्रेक है। लिटरली 5-7 मिनट रुकेंगे इधर, फिर निकल जाएंगे लगता है। तो आप जब कंबोडिया में किधर भी रीच होते हो ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आके टुकटुक वाले ना बहुत लूटपाट करते हैं, कुछ भी रेट बोलते हैं और अनसेफ भी है थोड़ा सा, खास करके नॉमफेन में, यहाँ पे थोड़ी चोरी ज़्यादा होती है तो आपको ध्यान देना है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा यहाँ पर जब आते हो ना, ग्रैब ऐप डाउनलोड करके रखिए, बहुत ही एक्यूरेट रेट दिखाता है। जैसे कि मेरा 2 किलोमीटर का राइड था, मुझे $1 पड़ा और एकदम ही पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने आके छोड़ दिया। तो अभी मैं हॉस्टल में आया हूँ और जल्दी चेक इन करके आपको रूम भी दिखा देता हूँ। क्योंकि बहुत ही जल्दी पहुंच गया था और रात को नींद नहीं आने वाली थी इतनी जल्द, मैं वहां पे एक्सप्लोर करने निकल गया नॉमफेन में, और वहां पे पता चला कि हमारे हॉस्टल के पास ही वहां का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है।
अभी आपको क्या कहूँ ये जगह के बारे में, बाप रे बाप, ये थाईलैंड को भी पीछे छोड़ दे, बैंकॉक पटाया इसके सामने बच्चा है। सब कुछ यहाँ पे खुले में हो रहा है, कोई भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लोग जो चाहे वो कर रहे हैं। थोड़ा सा अनसेफ भी लग रहा था, काफ़ी सारे लोग, भले लाइट थी, भीड़ भाड़ लगी थी, पर कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी वहाँ पे मुझे लग रही थी। तो वहाँ से जल्द हो सका मैं निकल गया और एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, क्योंकि बहुत दिनों से देसी खाना खाने का क्रेविंग हो रहा था। थोड़ा महंगा ही लगा, 650 रुपये की बिरयानी खानी पड़ी, बट इट डिड द जॉब फॉर व्हाट इट वॉज सपोज टू डू। तो हमारा हॉस्टल कुछ ऐसा दिखता है ये मैड मंकी का, बहुत ही चिल सा वाइब है, लगता है ये लोगों ने होटल को हॉस्टल में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे आपका रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे चेक इन होता है, यहाँ पे सिट आउट के लिए बहुत सारे जगह दिए गए हैं, और इधर आपको और भी स्पेसेस है बैठने के लिए, और यहाँ पे जो है इधर का रेस्टोरेंट है, इधर यहाँ पे इनका इन हाउस बार आ जाता है, और इधर यहाँ पे इनका पूल एरिया है। हॉस्टल जो है 3 माले की है पूरी प्रॉपर्टी, बात करते करते गलत फ्लोर पे आ गया। सो यहाँ पे आपको रूम्स 3 फ्लोर पे है, प्राइवेट रूम्स भी है जो $25 के आसपास पड़ता है, और जो डॉर्म रूम है आपको 10 का आता है, 6 का आता है, 4 बेड का आता है, सब में वॉशरूम अटैच रहता है अंदर, और उसका प्राइस है $8 से $12 के बीच में। सो मेरा 10 बेड का था, पर उन्होंने मुझे फ्री अपग्रेड दे दी, तो मुझे $8 में पड़ा है मेरा 6 बेड का डॉम। तो अभी चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ और उसका टूर देता हूँ। ये हमारा 6 बेड वाला डॉम है, यहाँ पे देखिए 6 बेड्स है, इधर काफ़ी स्पेशियस सा रूम है, मिरर वगैरह है इधर, एंड एक अलग सा एरिया है जहाँ पे आप टॉवल वावल रख सकते हो, काफ़ी साफ सुथरा है। वहाँ पे आपको जो है बेड के नीचे आपका लगेज स्टोरेज एरिया है, ताला लेके आने भूलिए मत, यहाँ पे वो नहीं दिया जाता है। और इधर वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, इंडियंस को टेंशन नहीं होगा, कैम्बोडिया में सब जगह अपने को यहाँ पे गन मिल जाता है पिछवाड़ा साफ करने, और ये शार है, काफ़ी क्लीन है। एक ही चीज़ है कि मैड मंकी ने अभी यहाँ पे सोप और शैम्पू देना बंद कर दिया है, सो अपना खुद का बंदोबस्त लाने भूलना मत, लाइक एवरीथिंग एल्स, जैसे टॉवल हो, ताला हो, ये सारा चीज़। तो ये रूम है भाई, काफ़ी अच्छा है, एयर कंडीशनड है। अभी चलिए थोड़ी देर मैं भी आराम कर लेता हूँ।